हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए सिविल थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल का लेक्चर वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही वीडियो आपको लिए बिठाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रॉक कलर स्टोन के बारे में भेजेंगे वीडियो बनाएंगे। आज रॉक पर वीडियो बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ब्रोकन ब्रिक और अ स्टोन चिप आर आल्सो कॉल्ड, मैंने कह रहा है कि टूटे हुए ईंट या चट्टान के चिप्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी स्पॉल। दूसरा क्वेश्चन है द रॉक विथ पुअरेस्ट स्ट्रेंथ, वह मान कि रॉक जिसका स्ट्रेंथ न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए सेल होता है। तीसरा क्वेश्चन स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू मेटामॉर्फिक्स रॉक, अर्थात कायांत्रिक चट्टान। चलिए चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। रॉक हैविंग सिलिका एज मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड, मैंने कि वह चट्टान जिसमें सिलिका होता है जो मेन घटक के रूप में होता है, मुख्य घटक में होता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन सी सिलिकस रॉक। फिर कह रहा है क्वार्टजाइट एमेटा मेटामॉर्फिक रॉक, मस्ट मेटामॉर्फिक स्टोन इज क्वार्टजाइट ए मेटामॉर्फिक स्टोन इज मेट क्वार्टजाइट होता है, हार्ड भी होता है, ब्रिटेल भी होता है और क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन भी होता है, अर्थात ऑप्शन डी ऑल। रॉक हैव नॉट एनी, कह रहा है कि रॉक नहीं होता है, मैंने रॉक में नहीं होता है। पहला या डिफिनिट डिफिनिट शेप, मैंने कि निश्चित आकार का नहीं होता है। रॉक अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के मिलते हैं, अलग अलग साइज के मिलते हैं, अर्थात बोथ ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रैप एक एग्नेसियस रॉक है। ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड, मतलब कि हीट और एक्सेसिव प्रेशर, मैंने अत्यधिक प्रेशर के कारण, यह कारण वास्तविक संरचनाओं के परिवर्तन से बनने वाला चट्टान को कहते हैं। ज़्यादा हीट और अधिक बन जाता है, उसको कुछ कहते हैं मेटामॉर्फिक्स, अत्यधिक ताप और दाब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन सी। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वोलकैनिक टाइप्स रॉक, ज्वालामुखी प्रकार का कौन सा चट्टान है? तो ऑप्शन डी बेसाल्ट। क्योलिन इज ए ऑप्शन बी। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रॉक, निम्नलिखित में से कौन रॉक है? तो ऑप्शन ए जिप्सम रॉक है, कैल्साइट, यूगाइट और माइका। इसमें रॉक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। द रॉक हैविंग सिलिकस कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, करा के चट्टान जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य घटक के रूप में होता है, अर्थात कैलकेरियस रॉक।
Which of the following is Planet Rock of Marvel? Option B, Limestone. The tendency minerals to split along a certain place is known as cleavage. Argillaceous rock have their main constituent as clay or aluminium. Next, the coarseness of the grains of minerals is known as textile. Which of the flowing rock accept good प्लोसिंग? मैंने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो अच्छी तरह से पॉलिशिंग की जाती है, चाहे वह ऑप्शन सी मार्बल. कह रहा है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू के साथ इन इच क्वेश्चन एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर. मैंने प्रत्येक आंसर का सही आंसर क्वेश्चन का सही आंसर के साथ बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो द टू लिस्ट इन इच क्वेश्चन, जो मैंने कि दो लिस्ट नीचे दिया गया है. चलिए लिस्ट को अब ध्यान से देखते हैं. लिस्ट को दिखा था, चलिए देखिए. क्वार्टजाइट का एक मैंने क्वार्टजाइट क्या है, एक रोड मिनरल्स है, मेटल है, ये होता है सर्पेंटाइन का कुछ घर के सजावट में यूज किया जाता है, अर्थात इंडोर डेकोरेशन. मैंने इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए. मार्बल एक क्या है, फ्लोरिंग के काम में काम आया जाता है. बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट का यूज होता है समुद्री कार्यों में, जैसे बांध बनाने में होता है, अर्थात मैरिन बर्क में, अर्थात ऑप्शन डी. The argillaceous rock having their principal constituent as, मैंने कह रहा कि argillaceous rocks में principal constituent मैंने कि main constituent क्या होता है, घटक, तो ऑप्शन बी क्ले. फिर एक आ गया है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू इच क्वेश्चन, मैंने कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करना है. चलिए देखते हैं. एग्नेशियस रॉक क्या है, तो पहला ग्रेनाइट, इसके ऑप्शन हो. फिर होता है सेडिमेंट्री रॉक क्या है, सैंड है. फिर कहा मेटामॉर्फिस रॉक कौन है, निज है, ऑप्शन फोर हो जाएगा. और फिर कह रहा है कि पेबेल मैंने कि कंकड़ कौन है, तो ग्रेबेल करना है, ग्रेबेल अर्थात ए के बी के दो और सी के फोर और डी के थ्री, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर.
नेक्स्ट क्वार्टजाइट इज, ऑप्शन ए सिल्केस रॉक। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, मैंने किस नेचर का होता है, तो मेटामॉर्फिक्स, ऑप्शन ए। हाउ मेनी यूनिट आर ऑल रॉक जियोलॉजिकली क्लासिफाइड, कह रहा है कि चट्टानों को भौतिक रूप से कितनी इकाइयों में बांटा जाता है, ऑप्शन ए 3 यूनिट में बांटा जाता है। फिर है कि लिस्ट मैच करना है वन लिस्ट को टू से दूसरी लिस्ट से, इस क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन का सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर के साथ बाय यूजिंग कोड, जो मैंने कि बिलो नीचे में जो कोड दिया गया है उसके हिसाब से अति करना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं कोड में, इसको छोटा कर लिया जाए कि पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए कह रहा है कि बेसाल्ट, इधर देखिए जितना भी है इस रॉक के नाम इधर दिया गया है और इधर है स्थान के नाम दिया गया है, अर्थात कौन रॉक कहाँ पाया जाता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट पाया जाता है दक्षिणी इंडिया में। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। स्लेट राजस्थान में पाया जाता है। ग्रेनाइट गुजरात में पाया जाता है, जिसे ग्रेनाइट है जिसे गुजरात, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए का नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मेटामॉर्फिक्स मिनरल्स रॉक कंपोज इंटायरली ऑफ सिलिका, वह रूपांतरित खनिज चट्टान जो पूरी तरह से सिलिका से बना होता है, अर्थात क्वार्टजाइट हो जाएगा, अर्थात क्वार्ट्ज भी कह सकते हैं। द एक्सप्लोसिव नॉट यूज फॉर ब्लास्टिंग द रॉक अंडर वाटर, मैंने कह रहा है कि एक्सप्लोसिव मैंने विस्फोटक, वह विस्फोटक जो पानी के भीतर के चट्टानों के विस्फोट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। अच्छा मैंने कौन कौन यूज किया जाता है आगे तो जानना है, कौन कौन यूज किया जाता है, तो गन कॉटन यूज किया जाता है, डायनामाइट यूज किया जाता है और कॉर्डाइट यूज किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए नहीं यूज किया जाता है। गन पाउडर, गन पाउडर यूज नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम रॉक ऑफ एग्नेशियस ऑरिजिन इज जनरली, एग्नेशियस मूल की चट्टानों से प्राप्त चट्टानों के पत्थरों के स्ट्रक्चर समानता होते हैं, कहना कि एग्नेशियस रॉक से जो मैंने चट्टान प्राप्त होता है उसका संरचना कैसा होता है। आप परत, इसमें परत दिखाई नहीं देता है इसलिए अस्तरीय, ऑप्शन डी अनस्ट्रेटिफाइड। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग बिल्डिंग मटेरियल हैज लीस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से कौन सी इमारती पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन ए लाइमस्टोन। दिसमा देखते हैं, पिक अप द ओल्ड फ्रॉम द रेस्ट, अर्थात कह रहा है कि नीचे दिए में से कौन दिए गए से एक विषम चुने, मतलब कि तीन एक समान होंगे और एक अलग होंगे। जैसे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है गन पाउडर, एक एक प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो चट्टान को तोड़ने में हेल्प करता है, डायनामाइट चट्टान को तोड़ने में अति करता है, गन कॉटन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन देखिए
ऑप्शन बी में गन पाउडर दिया गया है। गन पाउडर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। अगर मेरा अच्छा, थैंक यू।